देखिए, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, और विपक्ष के जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं। असल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग हैं, और कभी जो है इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो असली भ्रष्टाचारी उजागर होंगे। जो ईडी छापे मारी कर रहे हैं, पैसा जब तो आप, ये मोदी ने कहा है पैसा गरीबों को देंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अभी जो है एक नंबर का पैसा जो है इधर नज़र में आया है लोगों के सामने, वो भी न्यायपालिका के आदेश के बाद। लेकिन काला धन उन्होंने लाखों करोड़ रुपया लगभग ले लिया होगा जो जनता के सामने नहीं है। वो लोग ईडी की छापेमारी करते हैं, चिन्हित करते हैं, डराते हैं और फिर पैसा वसूलने का काम करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, क्या कहना है? देखिए, मुख्तार अंसारी जी बहुत दिन से लेटर लिख रहे थे, वीडियो ऑडियो भी चला रहे थे कि उन्हें जो है पॉइजन खाने में दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने सुनने काम नहीं किया। ये सरकार की नाकामी है यहाँ पर, जो जेलों में भी लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने पूरा मन बना लिया है, गांव-गांव लोगों ने तैयारी कर ली है कि 10 के बाद अब और नहीं, अब इनका राम नाम सत्य होगा।